के राजा भांजे को राजा कहते हैं दुनिया में चल रहा है जब तक मैंने पे गत्ते ना बनायो भांजो आप कहा तो वाणी के आ भाई भांजे राजा बैठ बहुत सम्मान के साथ उसको राजा की पदवी दी जाती है भांजे राजा बिल्कुल। और माई को हकीकत बात है भांजे की आधी घरवाली कहा जाता है कहावत मैंने नहीं बनाई है सही बात माई को आधी लुगाई कहा जाता है भांजे की। परे एक तरफ भैया कह रहे हैं यहाँ आ जाओ हमारे एक तरफ तो भैया कह रहे हैं कि माने कहीं ना है वो साली होते आदि तो माई होती ना है और फिर जवाब दे रहे हैं माने कहीं वो जसोदा को भैया हो काओ नाम रायण वो और कृष्ण भगवान एक ही जगह आई कौन सी जगह ही वो जयपुर हो का धौलपुर हो कौन सा जो बताए दो शहरों को नाम बता दे के फिर अब कृष्ण भगवान की तो रुक्मिणी रुक्मिणी अल्लम मैरिज करके लाए मंदिर में थे तो माँ तो रायण ब्याह ना माते तो अकेले ही लाए हुआ गुरुदेव गलत तो ना कह रहे हो अब एक तरफ तुम या तो उसको बताते कोई कनेक्शन बताने का होता है जैसे हम रसिया वाले बताते हैं कि ऐसे वो माँ को और माँ के पास छोरा नाम जो सही बात है पर कोई बात ना है 200 रुपए पहले और 100 रुपए अब हमारे आदरणीय नागेश उपाध्याय जी की तरफ से बिल्कुल बात चलो उसको भी छोड़ो कोई बात नहीं आप पे नहीं बना। उसके बाद एक नॉर्मल सी धुन थी वो राजी बोल जा गली गली गामन डोलते हैं वो धुन भी नहीं गा पाए भैया जवाबी बहुत कठिन होती है जवाबी के मार हम रसिया वाले भी डरते हैं राम भैया हम रसिया वाले एक एक बाल में से खाल नोचते हैं परंतु जवाबी के लिए हम भी ये सोचते हैं जाने कौन क्या धुन रख दे आप राजी बोल जा धुन नहीं गा पाए चलो छोड़ो। उसके बाद एक टुकड़ा गाया मैंने के वो द्रौपदी कह रही है क्या खोया क्या पा लिया आपस में युद्ध लड़के और जा शकुनी की बातों में आके अपनों को अपने मार बैठे यानी कौरव भी अपने और पांडव भी अपने ये जीत के हार गए और वो हार के हार गए। अब उधर से जवाब कितनों मलू को आ रो है कुल खोया कुल पा लिया अब कौन सो कुल पा लो बाकी तो पांचों मरे गए बाको विद्वंस उड़ गए कुल कहाँ पा लो फिर वहां गलत तो ना कह रहा पांच उम्र गए वो रोई जावा तक रही वो तो मैं दुर्योधन खूब दुश्मन आई परवाने अश्वत्थामा से स्वयं कहा है उसको एक श्राप लगा हुआ था कि तेरी मृत्यु जब होगी मृत्यु से पहले तू हंसेगा तो हंसा वो जब उसने शीश नहीं देखे तो वो बहुत जोर से हंसा वाने की मेरे दुश्मन पांडव थे वो हंसा और जब उन्हें उसने शीशों को देखा उन बच्चों के शीश तो उसकी आंखों में आंसू आ गए वो रो गया कि तूने ये क्या कर दिया तो न तो कुल पायो कहूं और न कुल खोयो कहूं आपस में रार करके और जिन साथ जिनके खड़े कन्हैया दीपक कुल का बुझा करके न आप काफिया बंदी लड़ा पा रहे हो न आप धुन गा पा रहे हो। एक टुकड़ा मैंने गाया लास्ट में यानी तीन टुकड़ा गाए मैंने तीन कथानक बाबा भीष्म पे गुरुदेव बार हुआ तो शिखंडी आगे खड़ा है और अर्जुन तीर चला रहा है बाली पे बार हुआ तो भगवान राम पेड़ की ओट से तीर चला रहे हैं उस पे और तीसरा टुकड़ा गाया था मैंने धरती का पुत्र भूमासुर अश्वत्थामा उसको मारा तो सत्यभामा जी को आगे खड़ा किया तब तीर चलाया। आप जो कह रहे हैं स्वर्ग दे में आई वो अम्माई और वो अम्मा कहूं तुम्हारी अम्मा तो ना आई वो स्वर्ग दे आए गए तीन चलाए दे वैसी हलको मान दू भैया 250 ग्राम आ रहे हैं बचा कर आ गई। अब तुमने गाए मेरे लिए दो बात और रही हाथी भाती तुम कह रहे हाथी कहाँ गए हाथी गन्ना खाए भी गयो और कहाँ गयो हाथी भाती में तुम्हारे स्वाद भी ना आ रहे हो जू एक बालक हुआ को एक बालक ने की चुर्री में तो हाथी आ तो जू नाम थे जिन्हों का है। अब जो मैं जो कह दू आगरा में एक हाथी घाटो है सुने हो आगरा में एक जो पुल बनो का बात है हाथी का तो कहते हैं अब जा में पब्लिक का बात जागी तुम्हारे कोई अरे यार पहले ही कह दिया है उन्होंने कि ग्रंथों से होना चाहिए
संचालक महोदय जी ने पहले ही तुमसे कहा था, नंबर शुरू होने से पहले जब मेरा प्रथम चक्र शुरू हुआ कि बात ग्रंथों से होनी चाहिए। अब हाथी कहाँ थे ग्रंथ में आए, वो जो मायावती को हाथी और वो हाथी मेरे साथ ही फिल्म आ गई राजेश खन्ना ही नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा तो तुम्हारे बस की नहीं है धर्मेंद्र डिंगर जी, सॉरी धर्मेंद्र दिग्गज जी, तुम्हारे बस की जवाबी नहीं है। तुम आराम से आधार के पास कथा पता करे करो और रामायण भामायण के पाठन करे करो, अभी बात ये चक्कर में पड़ेगा तुम जवाबी भवाबी के में। बिल्कुल। अब मेरी तरफ से सुनिएगा, इधर से आया एक टुकड़ा, कौन सा क्या मिले तो तीन बाप एक अम्मा और हमारी हमारे एक बाप एक ही अम्मा है जिनकी, और हमारे बताया था तीन बाप और एक अम्मा। हमने कहा हाथ खड़े करके बता दो तो जवाब दे दूं मलू बता भैया। तो एक बार इस पावन धरा के लिए सुनो, ये आपका सौभाग्य, मानना मेरी बात, ये आपका सौभाग्य है कि इस मैया जो यहाँ ये मैया है कुरेट वाली मैया यहाँ तुम्हें जन्म मिला है, एक बार इस मैया के लिए और अपने आप के लिए ताली जरूर बजाओ। दरबार की इधर से गीत आया था कौन सा, अरे तेरे प्यार में मैं मर जावा, ये क्या बात है मेरे भाई। धर्मेंद्र भैया आप अच्छे कलाकार हो, हम तो बाबरे कलाकार हैं, तो नहीं जब जवाबी लई है तो जवाबी लडुआ धोई होता है तो जाके बूंदी के आके खा ले। सही बात है। अरे ये पब्लिक नींद खराब करके बैठती है और उससे ज्यादा पब्लिक का पैसा है, बड़ी उम्मीद लगा के ये भैया लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग आंटिया घरे छोड़ के ताऊ, एक उम्मीद लगा के आज जवाबी है कुछ नया मिलेगा कुछ सुनने को मिलेगा, तो आप इनका दिल मत दुखाओ मेरे बड़े भाई। अरे तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना बेटा। जो वादा किया वो वादा करके निभाना, क्या बात है ऐसी खबर, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। और फिर तू वही बात कह रहे हो भैया का जवाब नहीं, भैया का जवाब नहीं है ही नहीं जवाब, तो हमन तो मान ली वास्तव में भैया कोई जवाब ना आती ना, इतनो कछु है रो पर मान लो ना के बान गई भैया का जवाब नहीं। अरे जी जवाब सुनवे का जी पब्लिक बता भाई कौन कौन सा जवाब ना आती राम भैया। बिल्कुल। और सुनो जिन पे एक लाइन बहुत बढ़िया फिट बैठ रही है, कौन सी, मैंने सही गाना गाया वो, अब इस कमेटी से भी कहना है शिखंडी रण में लाने की जरूरत क्या थी, ये बात सही इन्हें पर फिट बैठ रही है, तो अब जिनते में कह जिनते जवाब में कह दूं कि ऐसी पार्टी बुलाने की जरूरत क्या थी, क्या बात है, पैसा दे रहे हो तो पैसा कम से कम है, लालटेन लेके मिल जाती तुम्हें, लालटेन लेके ढूंढ के लाए हो यार। अब नहीं थोड़ा सा आनंद ले लूं मैं जिनते, हाथ उठा भैया एक बार हाथ उठा, डिंगर जी अब देख देखो मैं छुट्टिया खड़ी करूंगा अपनी, मेरी ज्यादा है छुट्टिया खड़ी कर मानना मान तो होगी, देख कहना क्या है, क्या काबरिया अपनी काबर को देख सजाए सजाए के देखेगो, सजाए सजाए के देखेगो, सजाए सजाए के देखेगो, मजा
हमारे पास नहीं है के बाल्टी भरे के हम पे मजा आओ तो एक एक गिलास तुम्हें दे दे हम। गाना सब जानते हैं राम भैया, बहुत छोटा कलाकार हूँ मैं रसियाबाजी में, बहुत छोटा, पर मैया की, परमात्मा की और पब्लिक का इतना प्यार मिल जाता है कि जैसा गाता हूँ पब्लिक लाइक कर देती है और मजा लिया नहीं जाता है न दिया जाता है। गाना सब जानते हैं पर कब क्या गाना है ये बहुत कम जानते हैं। क्या बात, आज मुझे ये इनको देख के लग रहा है, तब देख, अरे भाई सजाए सजाए के देखे गो और किसका भैया, अरे कोई घोड़ी लावे मेला ते भाई भजाए भजाए के, कोई घोड़ी लावे मेला ते भाई भजाए भजाए के, कोई घोड़ी लावे मेला ते भाई भजाए भजाए के, और देख कोई दुल्हन नई नवेली होए बाल लजाए लजाए के देखे गो, लजाए लजाए के देखे गो, धर्मेंद्र धर्मेंद्र भैया सुनो, आज आपकी बसंती पे जा शंभू बाबरे ने कांचन पे नाच नहीं करवाया तो फिर बात ही बेकार है। क्या बात है, आप धर्मेंद्र हो सोले के तो तुम्हारी बसंती आज रायकू लेके जाऊंगा, एटा से फोन करके ले जाऊंगा, गारंटी की बात है। अरे भाई लजाए लजाए के देखे गो, और देखो ताली देखियो ताली देखियो, अरे बंदर के बंदर के हाथ में देओ नारियल बजाए बजाए के दे, अरे बजाए बजाए के दे हो, बजाए बजाए के दे हो। और सुनो, नहीं चाचा सुनो, मैंने माना ये गीत पुराना है, ये टुकड़ा पुराना है, परंतु कुछ बातें सदाबहार हुआ करती हैं, कुछ बातें सदाबहार हुआ करती हैं कि उनको कभी गाओ वो तभी मजा दे देती है। ना वो सबाब है और ना वो उमंग है जवानी में, क्या बात, मैंने सुनी थी वो दम नहीं निकला तेरी कहानी में, अरे जब मुकाबला नहीं लड़ सकता तू मुकाबले की तरह तो डूब के मर जा कहूं चुल्लू भरे, हमें ना भुलाना साजन हमें ना भुलाना, भुलाना साजन हमें ना भुलाना। इधर से बात आई है, गीत कह रहा है तेरे प्यार में मैं मर जावा, अब इधर से बात आई कुछ फर्क है हम माँ तुम माँ, चार तीन बाप एक अम्मा, हम माँ तुम माँ, हाँ जी गुरुदेव तुम माँ ऊ की मात्रा लग रही है और अम्मा छोटो आ आदि माँ मच्छी और पूरी माँ, तुम्हारा काफिया ही गलत है, ये रसियाबाजी की पब्लिक है बड़े भैया, चार तीन बाप एक अम्मा, हमारे एक बाप एक अम्मा, यानी गणेश जी कह रहे हैं, हनुमान जी थे गणेश जी कह रहे हैं, चलो मान लई शंकर सुवन केसरी नंदन हमारे तीन बाप हैं और एक मैया हमारी के अंजनी, पर तुम कैसे कह सकते हैं कि क्या है एक बाप एक अम्मा, तुम पापा ते पैदा तो होते ही ना, गणेश जी गौरी मैया ने शंकर जी के अंश से पैदा नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, एक बार ताली बजा भैया। धर्मेंद्र भैया ये शंभू बाबरो है, बाबरो करके राय ले जाऊंगा मेरी जान, ना एटा ना जान दे रो तुम्हें। अब सुनिएगा मेरी तरफ से, तुम कर रहे हम्मा हम्मा, तुम कर रहे हम्मा हम्मा, तुम कर रहे हम्मा हम्मा, तेरे बाप नहीं है अम्मा, तेरे बाप नहीं है अम्मा, तेरे बाप नहीं है अम्मा,
और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आर्मी के जवान हैं गौरव कमांडो, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। और एक फरमाइश कर रहे हैं कि बाय जरूर लगाओ, तो सुनिएगा धर्मेंद्र भैया, देखो बातों से ही मजा दे देता है ये बागड़ी, क्यों क्या छोटी छोटी बातों को नए अर्थों में सजा देता हूँ, छोटी छोटी बातों को नए अर्थों में सजा देता हूँ। और बड़े भैया देखे में ही मैं तो पौआ जैसा हूँ, पर पूरी बोतल का मजा देता हूँ। क्या बात है, अब मूड तो जब बनतो का पलंग ते मेरे ऊपर पटे पड़तो का जू तो मूड बन जा तो जब बात पक्की है। कलाकार का मूड माहौल कब बनता है, जब सामने वाला तमाचो तो नहीं सुना तो अपने आप मूड बन जा तो है। और मैं तो रसियाबाव आदमी हूँ, रसियाबाव आदमी हूँ, और जनाने इनते मेरी ऐसे रहते बन के रसिया में जो जनाने नाचते ना है मैं अटक तो बनते ही हूँ। जो अटक तू पतो है मुझे क्या बात ही लगते है कि भैया वानी ने के एक बात बता छुट्टिया बाहर बेगते 3000 रुपया के लिए, और आदमी की गौछ न के 3 रुपया कोई ना पूछ रो, ये कारण को हमें ही समझ में आज तक जना पड़ पा रही। कल तो ना हम कह रहा हूँ गामन हम देखेंगे ना ढोलते, सही बात है कि ना है? जाए मार सुनो मैं तो बहुत छोटी छोटी राग तू राग में तो फायदे ही का है, तब कहना है मेरा दे तुम कर रे हम्मा हम्मा प्यारे बापू नहीं है अम्मा, प्यारे बापू नहीं है अम्मा, प्यारे बापू नहीं है अम्मा। तुम आए तो पापा तई ना चलो, हम आए तो 3 तो होते हैं जो प्रोग्रेस कर दी है मैंने दुनिया को, एक हो तो हम आए 3 है, हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं जा बात में, पर तुम बिना पापा ही क्यों अम्मा ने पैदा कर ले जेऊ ना असल तुम आई तुम अम्मा ने करे कहाँ थी, प्यारे बापू नहीं प्यारी अम्मा, प्यारे बापू नहीं प्यारी अम्मा, प्यारे बापू नहीं प्यारी अम्मा। दए बापों ने करम्मा करम्मा, बापों ने करम्मा करम्मा। अब तुम कह रहे हैं कि राम की कथा में तेरी पूछ आगे और तेरी पूछ पीछे और मेरी पूछ आगे, तो ये बात भी तुम्हारी गलत है। राम की कथा जहाँ होती है वहां भगवान बजरंगबली को पहले पूछा जाता है, बजरंगबली की पहले बजरंगबली को पूछा जाता है, पहले राम की कथा शुरू होने से पहले बाबा बजरंगी को दर्जा दिया गया है। तब दे क्या बात है, ये पुरस्कार भैया की तरफ से हमारे कलाकारों के लिए और हमारे लिए। जो वादा किया वो वादा ते अरे तेरी पूछ आगे है तो मेरी पूछ आगे, अरे तेरी पूछ आगे है तो मेरी पूछ आगे। आप पूछ की बात कर रहे हो, मैं पूछ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जिसको कहते हैं पूछना, कि जैसे मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरु ये बात कैसे हुई तो पूछ पूछना है। तेरी पूछ आगे है तो मेरी पूछ आगे, दे पापों ने करम्मा करम्मा फोड़े दे करम्मा करम्मा, अरे पापों ने करम्मा करम्मा फोड़े दे करम्मा करम्मा। होती राम की कथा में होती मेरी पूछ आगे, राम की कथा में होती मेरी पूछ आगे, राम की कथा में होती मेरी पूछ आगे।